कोई सी भी सरकार का आज तक मेरे घर में पैसा नहीं आया, लेकिन मोदी गरीबा की हिफाजत करे है, मेरे को शांति, मैं भी गरीब हूँ और उसने भाई हिफाजत करी है गरीबा की। भाई मैंने पूरी उम्मीद है मोदी सरकार पे, भाई मैं मोदी को चुनूंगा और मोदी बाकी जीवन बहुत बढ़िया, सुशील भाव का है बहुत ही बढ़िया है और काम करेगा, बिल्कुल करेगा जी। बहुत दिन हुए काम करे कौन भाई साहब, बहुत बढ़िया गरीब आदमी के हक में बहुत अच्छा काम करने वाला है, बहुत अच्छी तरह शुरू धान की थी इसकी, आपकी बार दो बार गया था बेचारा, अभी इसके बाद आपकी बारी इससे की थी, अभी बढ़ेगा और कब इससे की देंगे, अभी इससे की देंगे, बड़ी आदमी हमारे विकास करेगा, खरगोजे के लिए एक नंबर का आदमी, पहला विकास नहीं हुआ खरगोजे ना, पहला नहीं हुआ क्या ना भाई, कुछ कौन है काम कौन भाई के लिए पसीना बहाया हमने, तो हमारा पसीना कामयाब हो गया भाई, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, जो भी हमारा पवन भाई बीजेपी आएगी सरकार बहुत अच्छा हुआ भैया, ठीक है। अभी कांग्रेस कह रहे, कांग्रेस ही वोट अच्छी तरह देते हम, ठीक है। यावीर वाल्मीकि था जो हमारा खुद से व्यक्त नहीं कर रहा था, ठीक है, गरीब आदमी सोच रहा था, बड़े भी सोच रहा, किसान मजदूर कुछ ही सोच रहा था, हम ये कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, पवन भाई आएगा हल्के का भाई, इसको हम अपने को लाइफ से मना हुए जो आज इस मौसम के याद, आज इस चौधरी हुड्डा ने याद आएगा पीछा जो सारे दिखोगे भाई, भाई आज इस चौधरी हुड्डा ने शुभ याद आएगा। अच्छा, पहला ये गरीब लोग नहीं थे, पहला तो बला भैंस ने खरीद लो चीचड़ आओगे खेल, पहला तो चीचड़ थे आज इनने पगड़ा वाले दिखे, गरीब आदमी ने चीचड़ बताया करता, आज इसने सब बार दिखे ये बढ़िया, आज हम बड़े खुश हैं इसकी, तो 5 साल नहीं आगे कतिया नाम खत्म हो जाना चाहिए था, हमारी तमन्ना दिया है कि बड़ी जीत का मत काट देंगे ना, जय वीर लखर को दे मत काट देंगे, बुक करके उल्टे बंदे मजा भेजने पवन भाई के बारे में क्या संदेश दोगे, पवन भाई के लिए हम न्यू संदेश देंगे, बढ़िया से मंत्री बने और बढ़िया विकास करे, बिल्कुल, और जनता में 24 घंटे रहे, बिल्कुल भाई। देखो भाई आम आदमी भी है, चाहे रुपया मेरे से गरीब हो, दूसरा वाला भाई हमारे हल्के में विकास हो, हमारा फसल काम ना हो तो हमारी गलिया बन जाए, हमारी रोड बन जाए, इधर जा जो खोख दे पानी भरा पड़ा उसका विकास हो जाए, कल ना भाई आते जाते आने भी भाई 70 डाल का भाई पेशाब आओ किसी कुछ आओ भाई उसमें दिक्कत ना हो, देख लो भाई इतनी खुशी है की मेरा भाई पवन और भाई ये इतने भाई खड़े है सब उसकी खुशी पे इतना जश्न मना रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब भाई गरीब आदमी का काम करे, गरीब आदमी के साथ खड़ा है, बार बार मेरा हाथ लगा था भाई, मैं भी दूंगा हां भाई, क्या हुआ ठीक है था ठीक है बात, भाई पवन को बनावेंगे उस दिन तक, अभी वोट ना गिरी है पवन, इतना वोट गिरी थी, अच्छा कद गिरी थी, गिरी थी हां, आज गिरी है, आज गिरी है, कल गिरी थी, आज गिरी है, अपने भाई पवन दादा को जताएंगे, वो पवन कर गोदा हम मार दो हमारे इसकी गल्ला, भाई पवन कर गोदा भाई, जो प्यार है भाई पवन खरगोदा के प्रति की इतनी जनता का 36 बरादरी के भाईचारे का, तो भाई और भी बात करेंगे भाई, भैया दे नमस्कार जी, नमस्कार भाई पवन ने 15 साल तक पूरी मेहनत करी, उसका नतीजा सबके बीच में ही मिला भाई, मिला कभी पवन न बढ़ावा, बिल्कुल अरे भाई मेहनत करी है भाई उसने 15 साल बेचारे ने, भाई पवन खरगोदिया ना गरीब आदमी फेर बनाओगे भाई, गरीब आदमी नहीं हो, आजा भाई, आजा भाई, एक मिनट भाई, आ चुका भाई, हल्के का भी विकास नहीं हुआ, खरगोदे खरगोदे का नहीं, कोई भी नाली भी ऐसे पड़ी, विकास हो गया इतना मान लो, दूसरा प्रधानमंत्री खरगोदे में आ गया भाई, दूसरा प्रधानमंत्री खरगोदे में आ गया, अपना पीएम उठ गया, और भाई क्या हाल है, ठीक है, नमस्कार जी, ठीक हो, हाँ जी, तो सुना दे बड़े भाई क्या कहना चाहोगे, बहुत ही बड़े लेवल पर मतलब जीत हुई है बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी की जीत नहीं है, जनता की जीत, जनता की सबसे मेन चीज, जनता ने जो है भरोसा दिखाया है बीजेपी पार्टी के ऊपर, और ये कहते हैं ना कि भाई जाट एक तरफ थे, मैं जाट हूँ, मैं खुद जाट हूँ और मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ, अगर हमें किसी भी पार्टी को जज करना है तो सबसे पहले ये देखिए
हम बोल देते हैं कि उसने ये नहीं किया ये नहीं किया। एमएलए के काम क्या होते हैं? एमएलए का काम होता है कानून को पास करना, फरमाना। उसके उन कामों को देखते हुए किसने क्या काम कर रहा है, कौन समाज सेवा में इन्वॉल्व हो रहा है, किसी के घर पे जा रहा है, आ रहा है, जनता के साथ रह रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं खुद अपना एक नजरिया बताता हूँ। मैंने एक फ्री ट्यूशन सेंटर खोला था खरखोदा के अंदर गरीब बच्चों के लिए। आपके चैनल को पता भी है, आपके चैनल वहां विजिट करने भी आए थे। तो मैं वहां सपोर्ट के लिए कांग्रेस पार्टी के पास गया था। अच्छा। उस टाइम पे तो जयवीर वाल्मीकि ने मेरे को एकदम से ये कहा मैं क्या करूं। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे पवन भाई के पास जब मैं आया तो बीजेपी पार्टी ने मेरे को सपोर्ट किया। बीजेपी पार्टी के जो है मंजीत भोला, वो मेरे जो गरीब बच्चों के लिए पंखे भी दान करके गए। अच्छा। यहाँ से जो है भाई पवन ने भी मेरे को ये बोला कि जो भी आपको मदद चाहिएगी हम जो उसको पूरा करेंगे। तो जो गरीब लोगों के जो शिक्षा के काम आ सकता है वही हमारा नेता होना चाहिए। और आज सच्चाई की जीत हुई है, अच्छाई की जीत। तो बड़े भाई आपका लास्ट में क्या कहना भाई खरगोदे के विकास को लेकर, क्योंकि 15 सालों 20 सालों से मतलब खरगोदे का विकास बिल्कुल है भाई, जनता कह रही है बिल्कुल भी नहीं हुआ है भाई, कह सकें नाम कुछ नाम मात्र के लोध हो भी ना बता रही जनता। तो आपने क्या लगाई पवन खरगोदा मतलब विकास करवा सके? अगर हम बात करें तो एक जो विधायक होता है, विधायक को जो ये नहीं होता कि ऊपर सरकार है या नहीं है, जो बजट पास होता है वो बिल्कुल बराबर पास होता है। पहले 3 करोड़ का बजट पास होता था, अब जो बीजेपी सरकार आई है उसने बजट को बढ़ा दिया। अगर वो उसमें से एक भी रुपया खरखोदा में नहीं लगा, अगर वो लग जाता तो आज जो है ये हालत नहीं होती खरखोदा की, टापू बन गया है। टापू पता है किसको कहते हैं? जब चारों ओर पानी हो और बीच में एक छोटा सा कस्बा हो, वो बन चुका है। और जनता ने इस चीज को देखा है और इन मुद्दों पर काम करके जो है वोट दी है। और मेरे को तो जो है पवन भाई की तरफ से मैं ये बोलता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर काम 100% होंगे और जितने हम उम्मीद करके चले हुए हैं उनसे कहीं ज्यादा होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तो भाई यार जनता की आवाज, मात्र शक्तियों की आवाज सुन ली होगी आपने। गरीब जो जितनी भी जनता हमारे भाई सब ने अपने अपनी राय रखी है, 36 बरादरी ने भाई, क्या पवन खरगोदा हमारे लिए क्या मायने रखता है और क्या कांग्रेस पार्टी मायने रखती थी। लेकिन जो ये कह रहे भाई विकास बिल्कुल खरगोदे का नहीं हुआ था, लेकिन पवन खरगोदा पर हमने आस उम्मीद की, जिसको मतलब हमने चुने यार भाई, बहुत ही बड़ी जीत जो उनको दिलाई है हमने। तो हमें लगता है भाई पवन खरगोदा हमारी सुना भी गा और खरगोदे का विकास भी होगा। लेकिन आप कमेंट में बताना भाई पवन खरगोदा के बारे में आपकी क्या राय, आपकी क्या सोच है। तो भाई और साथियों दोबारा भी आपकी बात करवाऊंगे, आपने दिखाने का काम करेंगे। और जो हमारा चैनल है शेर मीडिया चैनल, उसको भाई सब्सक्राइब करा करो भाई, ताकि आपको अपने हल्के की, अपने भाई स्टेट डिस्ट्रिक्ट की सारी अपने अपडेट मिलती रहे, खबर मिलती रहे, क्या चल रहा है। और भाई हमारा काम भी सच्चाई दिखाने रहता है, तो जुड़े रहो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखाना है। प्रीतम नागर की राम राम भाई।